ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। नमस्कार मित्रों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होती है जिसके लिए हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे एक ऐसा रामबाण उपाय मिले जो कि तत्काल अपना प्रभाव दिखा दे और उस व्यक्ति का कार्य संपन्न हो जाए। क्योंकि काफ़ी लोग ज़्यादा लंबी पूजा करने के इच्छुक नहीं होते हैं, उनके पास समय का अभाव होता है, इस वजह से वे कुछ ऐसी छोटी पूजा या ऐसे छोटा विधान या उपाय कर देना चाहते हैं जिससे कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। इसीलिए आज मित्रों मैं आपके लिए हनुमान जी का एक ऐसा चमत्कारी मंत्र ला रहा हूँ जो कि मंगलवार के दिन सिद्ध होता है और मंगलवार को ही इसे जागृत किया जाता है। इस मंत्र की ताकत इतनी है कि इस मंत्र को एक बार सिद्ध कर लेने के पश्चात में व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता है और किसी भी प्रकार की विपत्ति में अगर वो व्यक्ति पड़ जाता है तो इस मंत्र को मात्र 7 बार उच्चारण करने मात्र से ही उसे उस विपत्ति से छुटकारा मिल जाता है और तत्क्षण किसी न किसी प्रकार से किसी दैवीय ताकत की वजह से उस व्यक्ति को मदद मिल जाती है। और इस मंत्र का दूसरा प्रयोग ये भी है कि इस मंत्र को रात्रि काल में सोने से पूर्व 7 बार बोल करके अपने बिस्तर पर ही हनुमान जी का ध्यान करके फिर आप शयन करें और अवश्य ही प्रातः काल तक हमारी काफ़ी समस्याओं का निदान होता है। और उस दिन जैसे जैसे हम जो जो कार्य करते जाएंगे उन कार्यों में हमें हमेशा सफलता ही मिलती चली जाएगी। मान लीजिए आपने कोई नया कार्य शुरू किया है और आपने इस मंत्र को सिद्ध किया हुआ है तो मात्र 7 बार उच्चारण करके अगर आप उस कार्य को शुरू करें या शुरू करने के लिए जाएं प्रस्थान करें तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार की ग्रह की बाधा या बुरी नज़र टोक किसी का भी कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। यह मंत्र शीघ्र और तत्क्षण अपना प्रभाव दिखा देता है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम हन हनुमते तेजसे प्रसन्नात्मने शूराय शांताय मारुतात्मजाय नमो नमः। यह बड़ा ही चमत्कारी और तत्क्षण अपना प्रभाव दिखा देने वाला मंत्र है और सच्ची श्रद्धा और मन से किया गया आपका इसका जप आपको शीघ्र सफलता प्राप्त करवाएगा। और इस मंत्र का नियम यह है कि मंगलवार के दिन सायंकाल को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के और सिंदूर और लाल पुष्प उनको अर्पित करें, लाल कनेर के पुष्प हो तो उसे वे अर्पित करें और उसके पश्चात वहीं बैठ करके लाल आसन पर इस मंत्र की मात्र किसी भी प्रकार की माला से आपको एक माला का जप करना है। उसके बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और हनुमान जी को साष्टांग प्रणाम करके आप वहाँ से प्रस्थान करें। और इसका प्रयोग करने के लिए जो मैंने आपको बताया है प्रातःकाल और सायंकाल इन दोनों समय इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। घर से बाहर प्रस्थान करने से पूर्व इस मंत्र को 7 बार उच्चारण करके निकलें। पुरुष अपना दायां पांव बाहर निकालें, महिलाएं अपना बायां पांव बाहर निकाल करके प्रस्थान करें। रात्रि काल में शयन से पूर्व 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। दुःस्वप्न विपत्ति और काफ़ी आपदाओं से व्यक्ति की सुरक्षा होती है और व्यक्ति किसी भी प्रकार के संकट में नहीं पड़ सकता है, सदैव उसकी रक्षा होती है, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।